अरे कोसा चाले पाळा पाळा माथे तपे तावडियो। एक बार सभी लोग मेरे साथ में, भाई सवाई जागीर थे, मैं चाहता हूँ मेरे साथ में थोड़ा थोड़ा संगत करें। बाड़मेर से आए हैं, इनको हाजिरी मिल जाए और इनको बालोतरा का आशीर्वाद मिल गया तो शायद इनका जीवन भी संवर जाएगा, क्योंकि राजस्थान के जितने भी कलाकार हैं, भले वो कहीं जाए, परशुराम महादेव जी जाए, लाखोटिया जाए, लेकिन उसको यदि बालोतरा का आशीर्वाद नहीं मिला तो फिर वो उसका काम बनता नहीं है, क्योंकि धरती ऐसी हो गई आजकल। ताली बजाए, इसको भी आशीर्वाद मिले, दोनों हाथों को उठा के। कोसा चाले पाड़ा पाड़ा माथे तपे तावड़ियो, कोसा चाले पाड़ा पाड़ा माथे तपे तावड़ियो, कोसा चाले पाड़ा पाड़ा माथे तपे तावड़ियो, भूख तिरसरी फिक्र नहीं ओ लाज राखसी सांवरियो, भूख तिरसरी फिक्र नहीं कोई लाज राखसी सांवरियो, भूख तिरसरी फिक्र नहीं ओ लाज राखसी सांवरियो, भूख तिरसरी फिक्र नहीं ओ लाज राखसी सांवरियो, उमड़े दुनिया सारी जद जदी उमड़े दुनिया सारी जद जद मास भात वो आवे, वो करता दंडो ता आवे भगत थारे उड़बाना आवे, वो करता दंडो ता आवे भगत थारे उड़बाना आवे, करता 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 दंडो ता आवे भगत थारे उड़बाना आवे, करता दंडो ता आवे भगत थारे उड़बाना आवे, सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे रुण झुण बाजे घूंगरा, आवे
बाजे घुंगरा, बाबा छम छम बाजे घुंगरा। जग घूमिया थारे जैसा कोई, जग घूमिया थारे जैसा कोई, जग घूमिया थारे जैसा चमत्कार देखा। अतिशोक्ति नहीं है, पर जहां इनकम भी होती, इनकमिंग ही होती है, वहां आउटगोइंग भी हुई है आज पहली बार। तालियां बजाएं एक बार सभी लोग। अर्ज करूं अजी मालरा, तो अर्ज करूं अजी मालरा, अर्ज करूं अजी मालरा, तो अर्ज करूं अजी मालरा, सादा तनी पुकार जी, संता करी पुकार जी, राम सरोवर आप दूजी, राम सरोवर आप दूजी, अलख करो पिताज जी, झुन बाजे घुंगरा, बाबा छम छम बाजे घुंगरा, बाबा महिमा है थारी भारी, शरणों में आया नर नारी।
गा तो मैंने हाथों हाथ गा दिया। पहली बार मैंने अभी आज ही स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, आज ही यहां पर गा दिया। तो थोड़ा दोनों हाथों को उठा के जय हो बाबा थारी जय हो, जग घूमिया थारे देवता नाते, जग घूमिया मेरे साथ ले मिला के तो आपको आ जाएगा। और वास्तव में पूरी दुनिया घूमने के बाद में वहां के दरबार जैसा कुछ नहीं। तो उठाएं दोनों हाथों को एक बार ताली के साथ में, आप गाना मेरे साथ बड़ा अच्छा लगेगा। जग घूमिया थारे देवता ना कोई, जग घूमिया थारे, जग घूमिया थारे देवता ना। तो सब देवाने छोड़ राम साने भावा, मैं तो सब देवाने छोड़ राम साने भावा, मारे मन रे तंदूरे पर थारी वाणी गावा, मारे मन रे तंदूरे पर थारी वाणी गावा, मैं तो सब देवाने छोड़ राम साने खमा खमा अजमाल जी लाल ने घणी खमा अजमाल जी लाल ने खमा खमा अजमाल जी लाल ने जियो तो जियो तो जियो। देखिए बाबा रामदेव जी महाराज रे भक्तों में सबो पहला जो नाम है, दबाओ बजाओ, वो नाम है दाड़ी भाई। लेकिन जिस युग में बाबा रामदेव जी महाराज हुआ दाड़ी भाई उसी युग में हुई, यानी बाबा रामदेव जी महाराज के समकालीन हुई। दूजो नाम तीनों है बाबा रे भक्तों में। थोड़ा जोर से बोलो हर जी बाट। लेकिन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हर जी भाटी और बाबा रामदेव जी महाराज के जो कालखंड का जो अंतराल था वो कोई 10-20 साल का नहीं, बाबा रामदेव जी महाराज के 276 साल बाद रामदेव जी महाराज 15वीं शताब्दी के मध्य में हुए और उसके लगभग 350 साल बाद में हरजी भाटी को जन्म हुआ। और हरजी भाटी ये ओसिया के पास में छोटो सो गांव है ओसिया, और ओसिया से नागौर जब जाते हैं तो बीच में एक छोटो सो गांव है पंडित जी की ढाण। हरजी भाटी क्षत्रिय भाटी कुल में जन्मया, लेकिन हरजी भाटी जैसे समझ आई बाबा ने ऐसा वरदान दे दिया कि हरजी भाटी अपनो घर परिवार छोड़ और बाबा रा गुणगान बाबा री भक्ति करने वास्ते अपने घर से निकल पड़े। एक ही काम बाबा रा परचा गाना, बाबा री महिमा सुनानी, बाबा रे भक्तों ने रिझाना, बाबा रे महिमा ने दूर तक। अब हरजी भाटी उससे पहले रामदेव जी को मानने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम थे और एक विशेष समुदाय के लोग तो रामदेव जी को मानते भी नहीं थे। मैं उस पर लंबी चर्चा नहीं करूंगा।
अब हरजी भाटी जोधपुर आए, जोधपुर में मसूरिया पंडित मसूरिया जो गोसाई जी रुथान है, आज जो मसूरिया पहाड़ी पर मंदिर है, रात वासो लियो हरजी भाटी, सुनना मेरी बात को, ये शायद बहुत कम लोग कहेंगे आपको। तो हरजी भाटी जब रात पासो लियो तो बे अपना आसन लगायो, दियो जगायो, जोत जगाई और तंदूरा पर भजन गाया, तो आसपास के लोग उठ उठ के हरजी भाटी को सुनने के लिए आए। दूसरे दिन ये गांव में थोड़ी चर्चा फैली तो आसपास के लोग आए, तीसरे दिन और भी दूर तक फैली। 5-7 दिन में लोग हरजी भाटी से इतना प्रभावित हो गया कि दूर दूर के लोग हरजी भाटी को देखने के लिए आते कि ऐसो कोई भगत आयो बाबा को, और समाचार पहुंच गया जोधपुर दरबार। अब जोधपुर दरबार ने बताया भी हो कि साहब ऐसा एक आदमी है और वो लोगों ने इतनो मेलो कर रही है, जोधपुर दरबार हरजी भाटी से मिलने वास्ते आया। बोले हरजी तू जिन्ना गुण गावे या तो कोई चमत्कार दिखा, नहीं तो तुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा, तुमको कैद हो जाएगी। हरजी बोले कि यार अब इसका क्या प्रूफ दू? बोले कि नहीं हरजी, तने प्रमाण देना पड़ेगा कि तू जिनरी भक्ति कर रही है वो सच्चो है। जोधपुर दरबार लोहेरा चना बनाया और जो चना बना हरजी भाटी ने दिया। बोले हरजी थारे कपड़े रो घोड़ लो, थारे कपड़े रो घोड़ लो, यदि ये लोहरा चना चबा जावे तो फिर मैं मानू कि तू सच्चो है, थारो बाबो सच्चो है, थारी भक्ति सच्ची है। अब देखो लोहे के चने और घोड़े, कपड़े का घोड़ा आपस में आदमी भी नहीं चबा सकता, हकीकत का घोड़ा। लेकिन हरजी बाबा रे भरोसे ये चुनौती स्वीकार कर ली। बाबा ने मन ही मन विनती की कि हे बाबा ऐसो कुछ चमत्कार हो जाए, ऐसो कुछ महाराजा रे जो अंधकार है अज्ञानता को वो हट जाए, बाबा कृपा करो। और मित्रों बाबा रामदेव जी महाराज ऐसी कृपा करी कि बे लोहे का चना कपड़े रे घोड़े रे मुंह में रखा गया और बाबा की कृपा सो बे चना चबीज और ऐसा सिक्का जैसा बाहर निकला। हरजी भाटी भी भक्ति पर जोधपुर दरबार ने भी बाबा रामदेव जी महाराज ने स्वीकार करना था। ओ जब जब भीड़ पड़ी भगता पर हे हिलाज बचाई जी, जब जब भीड़ पड़ी बड़ा बड़ा री थारे आगे, बड़ा बड़ा री थारे आगे भूल हुई चतुराई जी, मेरा तेरा लाला थारा में यश गावा, मेरा तेरा लाला थारा में यश गावा। एक मिनट, कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे कलाकार जो लोग आते हैं वो ताली क्यों बजवाते हैं। कई लोग कहते हैं साहब हमने कोई पीटी पीरियड करने का ठेका थोड़ी लिया है, हाथ ऊपर करो और नीचे करो और जय बोलो। मित्रों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी बोलोगे तो अच्छा भी लगेगा, कल दिन में आप यो रोड पे जाके बोलना जय हो जय हो, दिन भर बोलना, शाम तक आपके घर वाले पकड़ के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देंगे, ट्राई कर लेना। या फिर कल सुबह उठते ही बाजार में जब निकलो तो ताली बजाना शुरू करना, दिन भर बजाना, शाम तक लोग और कुछ विचार करना शुरू कर देंगे आपके बारे में, किसको क्या हुआ, ताली क्यों बजा रहा है। तो जब जब भीड़ पड़ी भगता पर हे हिलाज बचाई जी, बड़ा बड़ा री थाए आगे भूल हुई चतुराई जी, मेरा तेरा लाला थारा में यश गावा, मेरा तेरा लाला थारा में यश गावा। मैं तो सब देवाने छोड़ राम साने धावा, मैं तो सब देवाने छोड़ सामने।
दुनिया से अलग बसार तेरी तस्वीर को सीने हमने दुनिया से अलग बसा जो भीड़ में रहते हैं ना उनका काम नहीं होता जी। हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों की भीड़ है, लेकिन उस भीड़ से जो अलग निकल के चला जाता है नाम उसी का हो जाता है। मैं भी आप लोगों के बीच का हिस्सा हूं, लेकिन मैं आज इसलिए सब कुछ गा रहा हूं कि आपको पता चले कि हम बाहर जाके करते क्या है, हमको लोग पसंद क्यों करते हैं। मुझे बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बहुत अच्छे से आती है कि जब मैं गाता हूं तो बस यही बात लागू होती कि हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है। मैं भीड़ के लिए नहीं गाता, कभी नहीं गाया मैंने, मैं अपने लिए गाता हूं। और जब मेरा मन अंदर से प्रसन्न हो जाता है तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों का मन भी अंदर से बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो अरे दूरा रे दिशारा जा तेरी, हुमरी सभा में रंगी बरसावो।
ઉગણી રાજ વિનાયક આવો મારી સભા મે રંગી પરિસાવો બોલે શ્રી ગજાનંદજી મહારાજ કે બિરાજો દુનિયાને દર્શન દેવો ઊંચે આસને આપ બિરાજો દુનિયાને દર્શન દેવો મહારાજ વિનાયક આવો મારી સભા મે રંગી પરસાવો ગણરાજ વિનાયક આવો મારી સભા મે રંગી પરસાવો આવો સંગ મે સુરે સતી લાવો બ્રહ્માજી આવો દેવા વિષ્ણુજી આવો સંગ મે સુરે સતી લાવો મહારાજ વિનાયક આવો મારી સભા મે રંગી પરસાવો ગણે રાજ વિનાયક આવો મારી સભા મે રંગી પરસાવો રામજી આવો દેવા લક્ષ્મણ આવો સંગ મે સીતા મૈયા લાવો રામજી આવો દેવા લક્ષ્મણ આવો સંગ મે સીતા મૈયા લાવો હે મહારાજ વિનાયક આવો મારી સભા મે રંગી પરસાવો ઘરે રાજ વિનાયક આવો મારી સભા મે રંગી પરસાવો
सवारी भोले शंकरिया आवो संग में गवीरा ने लावो। बैल सवारी भोले शंकरिया आवो संग में गवीरा ने लावो। हे महाराज विनायक आवो मारी सभा में रंगी परसावो। गणेश राज विनायक आवो मारी सभा में रंगी परसावो। सवारी नवी दुर्गे आवो संग में भैरू जी ने लावो। सिंह सवारी नवी दुर्गे आवो संग में भैरू जी ने लावो। हे महाराज गजानंदी आवो मारी सभा में रंगी परसावो। गणराज विनायक आवो मारी सभा में रंगी परसावो। तानसेन देवा हर गुण गावे भुलाने राई बतावो। तानसेन देवा हर गुण गावे भुलाने राई बतावो। हे महाराज गजानंदी आवो मारी सभा में रंगी परसावो। गणराज विनायक आवो मारी सभा में रंगी परसावो। हे मारी सभा में रंगी परसावो। मारी सभा में रंगी परसावो। मारी भक्ति में रंगी परसावो। गणराज विनायक आवो मारी सभा में रंगी परसावो। और निवेदन करूला जिता भी भक्त विराज जोड़ा है देवाधिदेव गजानन जी महाराज रो महामूल मंत्र सभी भगत मीठी मीठी ताली और अपने मुखारविंद से गजानन जी महाराज का महामूल मंत्र का जाप करते हुए सभी भक्तों निवेदन। और जो भक्त खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप शांतिपूर्वक नीचे बैठ जाइए। ओम गणपति नमो नमः। सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। निवेदन करूंगा मीठी मीठी ताली के साथ में सभी भक्त अपने मुखारविंद से अपनी जिबिया को पवित्र करते हुए बोले श्री गजानन जी महाराज के।
गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, मंगली मूर्ति मोरिया, गणपति बापा मोरिया, मंगली मूर्ति मोरिया, गणपति बापा।